भीख मांगो, आप लोगों के आगे कशकोल लेके जाओ, आपको कोई भीख नहीं देगा। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीजें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था, उनको इंडिया ने वापस लिया। वरना दुनिया से भीख लेते जाएंगे, भिखारी बनते चले जाएंगे, कर्ज में दबते चले जाएंगे और बेड़ा खड़ा हो जाएगा। आप निकाले ना, कोई किसी में हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ इसमें से। बाइडन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। किस्तान का नाजरीन, इस वक्त कौमी कर्जा जो है वो बढ़कर 71.24 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। तो आला सतही मीटिंग जो होगी उसके अंदर ये फैसला होगा कि पाकिस्तान को जनाब दे दी जाए पैसे और ना तड़पाया जाए। हर पाकिस्तानी शहरी जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब वो पैदा होता है तो पैदाइश से ही तकरीबन उस पर 2,95,000 रुपए का ये कर्ज आया होता है, यानी कि 3 लाख रुपए जब आप पैदा हुए तो 3 लाख रुपए के मकरूज हैं आप। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया ये चीजें बर्तानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर एक बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा पर अमेरिकी पक्ष ने भारत से लेकर जाई गई 297 प्राचीन वस्तुओं की वापसी में मदद की है। इन्हें जल्द ही भारत वापिस लाया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी साझा की है। ये प्राचीन वस्तुएं लगभग 4000 साल पुरानी है। इनका इतिहास भारत के अलग अलग हिस्सों से है। ज्यादातर प्राचीन वस्तुएं पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं, जबकि अन्य पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से संबंधित हैं। विदेश मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के अवसर पर अमेरिकी पक्ष ने भारत से लेकर जाई गई 297 प्राचीन वस्तुओं की वापसी की है। इन्हें जल्द ही भारत को वापस कर दिया जाएगा। डेलावेयर में द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रतीकात्मक रूप से कुछ चुनिंदा वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि जिन्हें आप कह लें कि जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीजें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था, कहा जाता है कि 2000 BCE, ठीक है जी, और 10वीं और 11वीं जो CE से भी जिनका ताल्लुक था, और उन सारी चीज़ों को इंडिया ने वापस जो है ये तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे उनको इंडिया ने वापस लिया है। इंडिया से 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक जो जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें थी जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया था, एंड इट वाज ट्रैफिक्ड फ्रॉम इंडिया। इट मींस कि इंडिया के कुछ लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे चोरी में, एयरपोर्ट पे, मतलब जैसे आपको पता है हमारे चीज़ें होती हैं कि बस तरीके तरीके से एयरपोर्ट में करप्शन वगैरह ये वो, तो वो चीज़ें चोरी की गई, वो चीज़ें अमेरिका आ गई, और जब अमेरिका आई, अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया ये चीज़ें बर्तानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी, और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन डेलावेयर जहाँ पे बाइडेन साहब का घर है, आपने देखा होगा बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम शेलकम किया है, और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी बड़ा, और नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिक्राफ्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल और मटेरियल कल्चर नहीं था,
ये हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये वो है. एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इट वॉज समथिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें कहा जाता है कि अस्पारा एक सैंडस्टोन है, सेंट्रल इंडिया से था, और इसी तरह थे एक जैन तीर्थंकर था जो कि ब्रोंज में था, वो भी सेंट्रल इंडिया से था. एक टेराकोटा था, वास था, वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया से था, थर्ड फोर्थ सेंचुरी से उसका ताल्लुक था, मतलब पुरानी स्टोन स्कल्पचर था साउथ इंडिया से. और इसी तरह लॉर्ड गणेश की एक ब्रोंज में थी मूर्ति थी, एक स्टैंडिंग लॉर्ड बुद्धा थे, वो भी इन जिसे कहते हैं ना सैंडस्टोन में, नॉर्थ इंडिया से था. एक लॉर्ड विष्णु की ब्रोंज की मूर्ति थी आई थिंक, और इसी तरह लॉर्ड कृष्णा की एक ब्रोंज की मूर्ति थी जो कि साउथ ऑफ इंडिया से चुराई गई थी. 16वीं 18वीं सदी से इनका बाइडन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है, और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है. अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा. क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है. मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं. उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केनिया, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम, और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत. अब आप ये देखें कि किसी ऐसे अलायंस में जब शामिल करने की बात की जाती है इंडिया को, जैसे कि नेटो अलायंस के लिए कुछ अरसा पहले इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप नेटो अलायंस का हिस्सा बने, ये वाली बात हुई थी, और भारत ने इनकार कर दिया था. मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, उनका कि उसका हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं, हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें जंगे हों, और या जिसमें जो है आपको फिर इस तरह के स्टेप्स लेना पड़े, जो कि आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है. लेकिन जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है. अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं.